रूस के साइबेरिया में शुक्रवार रात MiG-8 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 से ज्यादा लोग घायल हैं। साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप में जब रूसी MiG-8 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब उसमें 22 यात्री और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। घायलों में से एक ने अपने मोबाइल फोन के जरिए आपातकाल विभाग को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बचाव दल ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल जांच में जुटी पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। हालांकि हादसे के पीछे खराब मौसम, उड़ान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और किसी तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। वहीं आपात स्थिति मंत्रालय की माने तो घने कोहरे के कारण दुर्घटनास्थल का पता लगाने और बचाव अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वैसे तो खराब मौसम को ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।